गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये देखिए अब हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है, सुबह के 6 बज रहे हैं। अब हम लोग पोखरा के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सुबह सुबह का काठमांडू का जो ये मैं दिखा रहा हूँ रोड का नज़ारा। अब हम लोग टैक्सी लेंगे और यहाँ से सोराकोटी जाएंगे, वहाँ से पोखरा की हम लोग बस पकड़ेंगे। हमने टैक्सी ले ली है सोराकोटी के लिए, अब हम लोग रवाना हो रहे हैं। अब सोराकोटी से हम लोग बस पकड़ेंगे। सोराकोटा आ चुके हैं और ये हम लोगों ने बस ले ली है। ये अब यहाँ से पोखरा के लिए सुबह 7 बजे रवाना होंगे। ये देखिए सोराकोटी का पूरा बस रवाना होने वाली है 7 बजे। अब मैं पूरे रास्ते की आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। टिकट ले लिया हम लोग और ये 900 रुपये नेपाली पर हेड हुआ है। 7 बज गई है, राइट टाइम पे अब हम लोग रवाना हो रहे हैं। ये देखिए अब हमारी गाड़ी रवाना हो रही है। काफ़ी एंटरटेनमेंट, मज़ा आने वाला है। पूरे रास्ते का जो सफ़र है काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, इसीलिए हमने सुबह का सफ़र चूज़ करा था कि पूरे रास्ते का हम लोग नज़ारे देख सकें, क्योंकि रात को तो अंधेरे में कुछ मालूम पड़ता नहीं है। ये हम चंद्रगिरी से निकल चुके हैं और ये पोखरा के लिए जा रहे हैं। ये देखिए क्या जबरदस्त पहाड़ों पर घर बने हुए हैं, क्या खतरनाक मोड़ है, क्या खतरनाक रास्ते हैं। ट्रैफिक काफी स्लो चल रहा है, काफी भीड़ हो रही है। रोड इतने अच्छे हैं, ट्रैफिक काफी स्लो चल रहा है। रोड बड़े खतरनाक, पर अब थोड़ा सा अच्छा रोड आया है। ये देखिए मैं आपको लोकेशंस दिखा रहा हूँ, ये बाहर की हम लोग ये जो काठमांडू से पोखरा जा रहे हैं। ये देखिए पूरे रोड का काम चल रहा है, काफ़ी ख़तरनाक रास्ते हो रहे हैं, काफ़ी स्लो गाड़ी चल रही है हम लोगों की। जो हम लोगों की बस है वो काफ़ी रिस्क लेकर जा रहे हैं हम लोग, और चारों तरफ ये काम चल रहा है ये। और ये हम एक जगह आकर रुके हैं अभी। ये देखिए ये यहाँ से दूरे पर
8 से 9 घंटे लगेंगे क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है पोखरा का, इसको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। चाय कॉफ़ी के लिए रुके थे हम लोग, तो मैंने सोचा आपको बताता चलूं। ये जो रास्ता है ये देखिए, काफ़ी पोखरा एक काफ़ी खूबसूरत जगह है, जो सारे टूरिस्ट काठमांडू से पोखरा की तरफ जा रहे हैं, सारी बसें सारी गाड़ियां ये सब आपको जाती हुई नज़र आ रही होंगी। और ऊपर ये आपको मैं दिखाऊं, ये ऊपर भी चारों तरफ घर बने हुए हैं। केला क्या भाव है, क्या किलो है, क्या भाव है? 180 रुपये। तो देखिए हम लोग यहाँ रुके हैं, जो ये बनाना ये 180 रुपये, क्या दर्जन है किलो है? दर्जन। ये देखिए, और ये क्या रेट है इसका? 180। ये भी 180। काफी टूरिस्ट भरे हुए हैं यहाँ पर, सारी बसें रुकी हुई हैं। ये बाबू को आयो, अब हम लोग जा रहे हैं, ये हमारी बस खड़ी हुई है। हेलो भैया, कॉफी कितने का है? हाउ मच इट इज? ये देखिए ये रेट्स, ये मिडवे पे हम जो कॉफी शॉप पर आए हुए हैं, ये वाका है, ये रेट लिस्ट। ये देखिए जाम लगा हुआ है ये जाने के लिए। हमें तो लगता है कम से कम 4 से 5 बज जाएंगी, जबकि सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं और अभी 8:30-9 बज रही है। जिस हिसाब से हमारी गाड़ी की स्पीड है और ये जाम लगा हुआ है क्योंकि तो रोड बहुत ख़राब है, पर मज़ा आ रहा है क्योंकि हमें पोखरा जाना है और वो अच्छी जगह है, सुना है हमने काफ़ी एडवेंचर है वहाँ पर। हम लोगों को ये देखिए 3:30-4 घंटे हो गए हैं और रोड काफ़ी ख़राब है। लोकेशंस बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए नीचे एक नदी बह रही है, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ हरियाली वगैरह, मगर रोड की वजह से इतनी थकावट हो गई है। अभी बज गया, थोड़ी देर पहले मेरी आँख लग गई थी और एक बाइक वाला सामने आ गया जो एकदम फ्रंट पे मैं आ गया, वो तो बच गए, मेरे नहीं तो आगे के दांत टूट गए थे बस में। मगर रास्ते का सफ़र बहुत ज़बरदस्त है और बहुत खूबसूरत है। ये देखिए क्या शानदार व्यू आ रहा है। अभी हम लोगों को 5 से 6 घंटे और लगेंगे जाने में। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, ये देखिए सब रुके हुए हैं।
सारी बसें यहाँ आकर रुकी हुई है सारी। देखिए एक चीज और आपको बताता चलूँ, ये यहाँ पर जितने भी पहाड़ है पूरा मिट्टी के पहाड़ है, ये मुरन मिट्टी जिसे कहते हैं। ये देखिए ये मैं यहाँ नीचे भी दिखा रहा हूँ, ये सारे पहाड़ जो भी हैं ये सब मुरन मिट्टी के पहाड़ हैं ये चारों तरफ। ये देखिए पत्थर बहकर आते हैं दूर दूर से, ये कैसी गोल बनावट। लोकेशंस बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, पर रास्ते का सफर बहुत खतरनाक है, बहुत इतनी धचके पड़ते हैं, हेक्टिक हो गया है ये रास्ते का सफर। हमसे एक गलती हो गई, हम लोगों ने काठमांडू के लिए फ़्लाइट ली थी और यही काठमांडू से हम लोग पोखरा के लिए फ़्लाइट ले लेते क्योंकि इंडिया में ये आराम से हम लोगों को 2600 रुपये 2500 रुपये में मिल जाता, पर हम लोग यहाँ आए तो यहाँ 10 से 12 हज़ार रुपये था। हमने चलो एडवेंचर होगा बस से चलते हैं, पर ये जो बस का सफ़र है बहुत ख़तरनाक है, रोड इतने गंदे हैं कि हालत ख़राब हो गई, पेट का पानी पूरा हिल गया, पूरे रास्ते का सफ़र इतना ख़तरनाक है। अभी तो सिर्फ 3.5 घंटे ही हुए हैं और मुश्किल से 70-80 किलोमीटर ही चले हैं हम लोग, तो ये सफ़र करीब करीब 200 किलोमीटर का है। इस हिसाब से लगता है 8 से 9 घंटे लगेंगे और जिस हिसाब से ये यहाँ पर काम चल रहा है ये 10 से 15 साल तक पूरा होने वाला नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ हम लोगों ने पूरे रास्ते में ये जो काम देखा है यहाँ पर चलते हुए, और नेपाल घूमने के लिए माउंट एवरेस्ट है जो कि पूरा वर्ल्ड का फेमस है मशहूर है, पर ये अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, 20 साल पीछे है ये अभी। अब हम आपको बताएं, जो अभी मैंने रास्ते में केला पूछा, नारंगी पूछी नेपाली करेंसी में 180 रुपये किलो, जो कि इंडिया के हिसाब से ये 120 रुपये 110 रुपये बनते हैं, तो इंडिया में तो 40 रुपये है 30 रुपये है ये, फिर भी ठीक है। हम लोग यहाँ पर आए यहाँ की लोकेशन यहाँ की वादियाँ देखने, यहाँ का सबसे मेन था मुझे एवरेस्ट यहाँ के पहाड़ वो देखना था मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर आया। ये अब हम लोग पोखरा जाएंगे, वहाँ मालूम पड़ेगा कि वहाँ की लोकेशंस कैसी है क्या है। पोखरा में हमें सब कुछ मिल गया तो यार लगेगा पैसा वसूल है। अभी ये दूसरी जगह और आकर रुके हम लोग, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है हम लोगों को जाने के अंदर। ब्लू हेवन रेस्टोरेंट है, हम लोग यहाँ पर अब थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह स्नैक्स वगैरह ले लें, फिर उसका आगे का सफ़र तय करेंगे। रेस्टोरेंट में ये देखिए बुफे लगा हुआ है, आप चाहे तो बुफे लें जैसा भी होगा। देखते ये हम जहाँ रेस्टोरेंट में रुके हैं ब्लू हेवन में, ये यहाँ पर थाली लगी हुई है, ये 300 रुपये है नेपाली थाली, इसमें दाल सब्जी। ये क्या भैया? ये टमाटर की सब्जी है, ये सब्जी है, ये आलू छोले की सब्जी है, ये गोभी की सब्जी है, ये दाल है, ये राइस है, ये 300 प्लेट्स है, उसके साथ ये पापड़ वगैरह भी है। ये इस साइड पर नॉनवेज की थाली लगी हुई है।
अभी अभी मेरी ड्राइवर साहब से बात हुई है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर ही आए जिसमें 3.5 घंटे लगता है। अब आगे का सफ़र पता नहीं कितना हेक्टिक होगा। अभी वो बता रहे हैं 150 किलोमीटर और है यहाँ से पोखरा। अब वो रोड अच्छा है या नहीं, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये लोग जिनसे भी पूछा हमने तो 7, 7.5, 8 घंटे का बताया सफ़र। अगर जब अभी 50 किलोमीटर आए 3.5 घंटे में तो अगला 150 किलोमीटर क्या 3.5 घंटे में होगा, देखते हैं, फिर आगे का मैं बतलाऊंगा आपको।
हमारी गाड़ी आकर अभी ये गांसी कुआ हाईवे है यहाँ पर रुकी है, और यहाँ से करीब करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर पोखरा है। हम लोग 7 घंटे तो हो चुके हैं चलते हुए अभी सुबह से। अब रोड थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ये देखिए हाईवे का काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत ये। बाकी लोकेशंस की कहें तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त लोकेशंस है, पर ये जो रास्ते ने हम लोगों का पेट का पूरा पानी ला दिया, आंत ओझड़ियाँ सब दर्द देने लग गई हैं, अब तो पूरा बदन दर्द देने लग गया है। फिर भी कोई ना, मज़ा आया। अभी देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा यहाँ पर आने में हम लोगों को पोखरा। ये शानदार खूबसूरत वादियाँ ऊपर तक, दूर दूर तक गांव फैले हुए हैं, हरियाली छाई हुई है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मस्त। अब देखें आगे क्या होता है। ये अभी रोड अच्छा लग रहा है तो हो सकता है हम लोग 1 घंटे के अंदर पहुंच जाए। आगे देखते हैं, अभी और ड्राइवर से मालूम करते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा अभी हमें जाने में। गांसी कुआ हाईवे पे रुके हैं हम लोग, यहाँ पर भी ये थाली है जी, इसमें चाउमीन है, ये वेज पुलाव है, आलू की सब्जी है, चना है, दाल है। प्लेट्स कितने की है भैया? भैया ये प्लेट कितने का बनता है भैया? प्लेट कितने का बनता है? हाँ 150 कोई सा भी 150। हाँ 450। ये 450 रुपये का है, ये देखिए ये जो चाउमीन है 150 की है, पूरी करी है 180 की है, चना 100 का, पोटैटो फ्राइड 100 रुपये की, वेज फ्राइड राइस 150 की, बॉइलर 30 रुपये का। क्या शानदार लोकेशन है। यहाँ पर 500 फेंटा 120 की है और 250 फेंटा 60 रुपीस की है, ये देखिए। फ्रेंड्स हम लोग बजट प्लान बनाकर चले थे, ये देखिए फेंटा लिए मैंने पहली बार 3 दिन में, फर्स्ट टाइम नेपाल में कुछ खरीद कर पी रहा हूँ। नहीं तो हम लोग अपना इतना खाना वगैरह लेकर आए साथ में कि हम लोगों को दिक्कत ही नहीं हो रही है खाने पीने की, क्योंकि हमारे पसंद का कोई खाना नज़र भी नहीं आ रहा है। और पानी मिनरल वाटर सिर्फ एक बार ख़रीदा, बाकी हम अपनी बोटल्स खुद लेकर आए थे, ये देखिए हम खुद अपनी बोटल लेकर आए थे। और यहाँ पर होटल से भी हमें बोटल्स मिल गई हैं और अभी गाड़ी में भी हमें बोटल मिली है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर 3 दिन में फेंटा ख़रीद रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ ये रास्ते का जो एडवेंचर है, सफ़र है, ये आपको बतलाने के लिए कि देखिए कि कितनी इकोनॉमिक में हम लोग ये सफ़र विदेश का कर रहे हैं। ये सारे फॉरेनर्स भरे हुए हैं यहाँ पर। 50 के आसपास अभी पोखरा बाकी, अभी भी 2 किलोमीटर है। अभी हमने मालूम करा है, ये 2 बोतल लिए हम लोगों ने, एक फेंटा एक स्प्राइट की 120 रुपीज़ की, ये देखिए मैंने और मेरे फ्रेंड के लिए। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 3 दिन में हम लोगों ने नेपाल के अंदर 3 दिन के अंदर कोई चीज़ हमने अपने पीने के लिए लिए, नहीं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जो रेडी खाना लेकर आए हैं, ब्रेड मक्खन जैम सॉस और पराठे, जो कि हम लोगों के 5-7 दिन आराम से चलेंगे, और नट्स वगैरह सारे वो अभी तक हम लोगों के पास हैं, वो चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितना इकोनॉमिक से इकोनॉमिक काम कर सकते हैं वो करेंगे। फिर उसके बाद तो आगे जितनी हम होगी वो शॉपिंग में अपना पैसा खर्च करेंगे, ना कि खाने पीने में, क्योंकि हम लोगों को खाने का तो इतना ही नहीं। और मैं यहाँ वैसे ही
अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ, तो नॉनवेज तो मैं खाता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मेरे को यहाँ पसंद भी नहीं है। और वेज में ये चाउमीन वगैरह ये और ऐसा कुछ जो मुझे पसंद नहीं है। तो अपना खाना हमारे साथ है बस, सिर्फ आज फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली है। फर्स्ट टाइम लेकर कुछ पी रहे हैं हम लोग। हम लोग जितना हो सकता है कोशिश करेंगे कि अपनी चीज़ों को पहले ख़त्म करें, उसके बाद यहाँ पर कुछ ख़रीदेंगे, क्योंकि हम लोग इंडिया से ही सोच कर आए थे कि जितना इकोनॉमिक से इकोनॉमिक हम लोग कर सकते हैं इस टूर में वो कर कर दिखाएंगे। वो तो हम लोगों को रेंट पर बाइक नहीं दी उन्होंने, इंटरनेशनल पासपोर्ट मांगा हमसे, इंटरनेशनल लाइसेंस मांगा, पासपोर्ट था, मगर वो कह रहे हैं लाइसेंस के बगैर आप यहाँ चला नहीं सकते, नहीं तो हम तो बाइक लेकर सब जगह जाते हैं यहाँ पर। मगर इन लोगों ने हम लोगों को बाइक रेंट पर नहीं दी, बहुत कोशिश करी, लाइसेंस तो हम अपना लेकर आए, मगर वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए। कोई बात नहीं, हम लोगों ने बस में सफ़र करा, पैदल करा, रिक्शे में करा, जैसा भी सफ़र हुआ बहुत मज़ा आया। अब हम लोग गेंसुकुआ हाईवे है यहाँ से रवाना हो रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक लिया था, आप करीब करीब 50 किलोमीटर बतलाते हैं यहाँ पर बाकी है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी तक तो हम लोगों को 7.5 घंटे हो गए हैं 150 किलोमीटर चलने में, अब देखते हैं कितना किलोमीटर और चलना है और कितनी देर में पहुँचना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं पल पल की आपको अपडेट दे रहा हूँ। मैं आप मेरे चैनल पे बने रहिए और इस रास्ते का, इस एडवेंचर का मज़ा लेते रहिए। वापस वही रोड आ गया, ये देखिए काम चलते हुए, ये अब हम लोगों ने पोखरा शहर में फाइनली दोस्तों पूरे 10 घंटे के सफ़र में हम लोग पोखरा आ गए, और ये पोखरा का ये जो टूरिस्ट बस स्टॉप है ये यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग होटल पे जाएंगे, रास्ते में बहुत उतराव चढ़ाव, देखिए हम लोगों ने सफ़र का आनंद लिया, मज़े लिए और खूबसूरत वादियाँ देखी, बस रोड ख़राब था। ठीक है, फिर अब पोखरा के सारे जो भी डेस्टिनेशन है वो मैं आपको बतलाऊंगा, मिलते हैं फिर अब अपने अगले व्लॉग में। पोखरा से हमने कैब करा ली है, अब हम होटल तारा में जा रहे हैं और अब यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर आज का जो भी प्रोग्राम होगा, आज तो सब बंद होने वाले हैं, आज कुछ है, कल सुबह से वो, अब मैं आपको आगे का बताता हूँ। होटल जा रहे हैं, होटल के बारे में बतलाऊंगा, होटल हम लोगों ने बुक करा ली थी जो कोई परेशानी नहीं हुई, और ये जो हमारे कैब वाले भाई साहब है ये भी मिल गए हैं, अब इनसे हम पूरी बातें करेंगे। 2 दिन का हम लोगों का सफ़र है इन्हीं के साथ गुजरने वाला है, अगर ये अच्छे से अपनी रेट देंगे तो हम इन्हीं के साथ घूमेंगे, नहीं तो जैसा हमने काठमांडू घुमाया ऐसे फिर हम लोग यहाँ पर बस में घूमेंगे भाई, बस में घूमेंगे वही तो है ना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे जल्द से जल्द। बस स्टैंड से 5 मिनट का मुश्किल से डिस्टेंस हमारी होटल तारा का, ये हम आ गए हैं, ये हमारी होटल है तारा, ये देखिए बहुत शानदार खूबसूरत व्यू, ये पूरा हम होटल में जा रहे हैं, ये ज़्यादातर ये देखिए ये कैब चलती है। अब पोखरा में पूरा घूमना है, एंजॉय करना है और आपको हर पल की अपडेट देनी है। आज तो पूरा दिन हम लोगों को सफ़र में हो गया, बहुत टायर्ड हो गए, अब
यहाँ से रेस्ट करके थोड़ा यहाँ का मार्केट का ये सब देखते हैं, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं जल्द से जल्द। हम लोगों ने मेक माई ट्रिप से रूम बुक कराया और ये देखिए रूम है। वैसे तो ये लोग 5000 लेते हैं मेक माई ट्रिप से, हम लोगों ने 1700 रुपये में बुक कराया है ये रूम। अच्छा रूम है, ये शानदार बाहर का ये व्यू नज़र आ रहा है, ये देखिए। ये पूरी जो होटल का व्यू है ये देखिए, क्या शानदार फ्लावर